राजगढ़ जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को लेकर चिंतित कलेक्टर निधि निवेदिता खुद स्कूल में टीचर बन गई। कलेक्टर मैडम का ये अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया। देखिए रिपोर्ट। कलेक्टर मैडम का टीचर अंदाज, बच्चों को पढ़ाने के लिए खुद शिक्षक बन गई कलेक्टर निधि निवेदिता। राजगढ़ में डीएम साहिबा का मिशन एजुकेशन। स्क्रीन पर दिख रही ये मैडम कोई टीचर नहीं बल्कि राजगढ़ प्रशासनिक महकमे की मैडम कलेक्टर निधि निवेदिता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर डीएम साहिबा स्कूल में बच्चों को क्यों पढ़ा रही हैं? तो आपको बता दें कि कलेक्टर निधि निवेदिता ने राजगढ़ जिले में ऑपरेशन एजुकेशन छेड़ा है, जरा आप भी देखिए। मिशन एजुकेशन के तहत कलेक्टर मैडम खुद सरकारी स्कूलों में जाकर न सिर्फ शिक्षा का स्तर देख रही हैं बल्कि टीचर बन बच्चों को भी पढ़ा रही हैं। इस दौरान एक वचन बहुवचन का लेसन भी पढ़ाया। इतना ही नहीं, स्कूल में टीचरों को टिप्स भी दे रही हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो ये MEN बेस क्या है, सिंगुलर क्या होता है, MAN, MAN मैन मतलब आदमी, सिंगुलर होता है, और MEN मेन मतलब प्लूरल, बहुत सारे आते हैं। तो ये है आप जैसे क्वेश्चन बन, आप पूरे पीरियड में सिर्फ क्वेश्चन बन इनको सॉल्व करो और फिर ये पूरा पैराग्राफ कहीं के कंप्लीट कर रहा है। हाँ ठीक है, तो आप ये पेपर आप पूरा कराने में उनसे आपका लगे 15 मिनट लगे जो भी लगे, लेकिन आप पूरा एक एक चीज़ को फोकस करो। मैंने सोचा कि जो दिक्कतें भी इन लोगों को आ रही है, जो 9th की बच्चियाँ हैं, इनका ब्रिज क्रॉस कर चल रहा था, तो मैंने सोचा कि इन लोगों से भी देखा जाए कि इनका क्या लेवल है और उनको थोड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश मैथ्स और फिजिक्स इनकी टीचर्स की काफ़ी स्कैर्सिटी रहती है, तो मैंने इनको पढ़ाया आधे घंटे और मैंने इनको मोटिवेट किया है कि किस तरीके से ये लोग और पढ़ के और बेहतर सीख समझ सकते हैं। जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं और स्कूलों में भी जाऊँगी, और हमारा प्लान जो है वो ये है कि स्टूडेंट्स की टीचिंग और स्टूडेंट्स को पढ़ाना एक अलग चीज़ है। हमारे जो टीचर्स की एक फौज है पूरी 7000 टीचर्स की, उन टीचर्स को हमको ट्रेन करना है, उनको कैपेबल बनाना है ताकि वो बेहतर ढंग से अपने बच्चों को पढ़ा सकें। कलेक्टर मैडम की इस पहल की पूरे शहर में तारीफ की जा रही है। वहीं लोगों का कहना है कि अगर कलेक्टर निधि निवेदिता इसी तरह से दौरा करती रहीं तो वाकई में जिले में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, राजगढ़।